भाई हमारे घर में एक नहीं चार चार चांद हैं। रघु प्लीज मुझे माफ कर दो। नहर में ये कतई नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटियां शादी करें, लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई है। ये क्या मसला है? सुबह से चारों कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। सारे मसलों की जड़ ही मर्द है। मुझे चुप चुप मत। ये चल कह रहा है कल से? कुछ नहीं हुआ अम्मी। मुझसे फरेब मत करिए। अगर आप लोग बात करना नहीं चाहते तो मत कीजिए, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। अम्मी कुछ रोज पहले कुछ हुआ था। मैं और रघु थोड़े करीब आ गए थे, अब सब ठीक है। यानी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं? ये आपकी परवरिश का नतीजा है कि हम हर छोटी बड़ी चीज आपके पास नहीं लाते। उसका नाम मेहर है, मैं उसे रोकना चाहता हूँ मगर। दिक्कत क्या है भाईजान? यही कि सब कुछ मेरे दिमाग में। आप हमारी हिम्मत है। नहीं, हम एक दूसरे की हिम्मत है। आफरीन। बीबी फातिमा खानम वजीर, आपका निकाह जनाब जुनेद मुश्ताक जिलानी बिनत अहमद वजीर इब्ने सैयद जिलानी के साथ महर 101 सिक्का रजुल वक्त दो गवाह जनाब गुलाम आजाद और जनाब तबीश आजाद की मौजूदगी में हो रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जनाब जुनेद मुश्ताक जिलानी इब्ने सैयद जिलानी, आपका निकाह बीबी फातिमा खातून वजीर कबूल है। अरे जनाब निकाह खत्म तो करने दीजिए। Brain has gone to pudding. तो आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। मुबारक, बहुत बहुत अजीम, क्या हुआ? एक ड्रिंक के बिना कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट तुम ऑलरेडी हंस रही हो यार। क्योंकि मैं ऑलरेडी जानती हूँ तुम किस बारे में बात करने वाले हो। तुम जानती हो? ऑफ कोर्स। प्लीज मेक इट इजी ऑन मी। अजीम मिर्जा, तुम और बानो, राइट? मैं नहीं, सब जानते हैं। मेरे से तुम मजाक कर रही है ना? अरे मिर्जा, बानो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसको ऐसे नहीं देखता। बानो इतनी प्यारी है, इतनी टैलेंटेड है और मुझे जेन्युइनली कितना प्यार करती है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मिर्जा तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तेरे लिए हमेशा रॉन्ग रहूंगा ना। Mr. I love you. ले कह दिया मैंने। Once I thought कि तू मेरी बात बिना कहे समझ गई। पर समझती तो जानती कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। देख, बीबी मैं ही गलत हूँ, तुम सही हो। हमेशा से यही होता है। तुमसे अब ये नहीं होगा। खुश रहने की एक्टिंग नहीं होगी मुझसे। And whatever we share in the name of friendship, na, ab nahi hoga. Azeem, tum sahi ho. You're very dear to me, and I do love you. Not bol Mirza, because you don't. ये गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं सोच रहा था मैं जन्नत मिर्जा के काबिल हूँ, पर ये पिटी मत दे मुझको, ये नहीं चाहिए. तो हमारे बीच में है ना ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, ये गलत है, ये झूठ है, ये सब रॉन्ग है मिर्जा. मैं इससे ज्यादा ऑनेस्ट नहीं हो सकता. इसीलिए ना काम करते हैं, इसे बस यहीं खत्म करते हैं. लेट्स स्टॉप दिस. ये इसका यहीं पर दी एंड होना चाहिए, क्योंकि अगर तू कुछ कहेगी और मैं रुक गया ना, पता नहीं क्या कर बैठूंगा मिर्जा. मैं ठीक हूँ, I'm fine. मैंने डिसाइड किया है कि अब ना I'm not gonna break my heart over you anymore. I बस
और यही, हाँ यही बोलना था। तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? I don't want to lose you. You've lost us, Jannat. प्लीज मेरा पीछा करना बंद कीजिए। कब से मुझे घूर रहे हैं आप? I'm sorry, मैं कोशिश कर रहा हूं। इस तरह मेरा पीछा करना, मुझे घूरना, मुझसे बात करने की कोशिश करना, प्लीज स्टॉप इट। क्या बात है मेहर? मैं सह नहीं पा रही हूं। I'm sorry, Please, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कैसे? मेहर, मैंने कई साल इस खौफ में, इस डर में गुजारे हैं कि मैं कहीं दोबारा खुद को ना खो बैठूं। जिंदगी ने जो भी जख्म दिए, मैंने कभी उन्हें भरने ही नहीं दिया। उन जख्मों पर कोई मरहम ना लगा दे, इसलिए किसी को करीब आने की इजाजत ही नहीं दी। फिर तुम मिली और ना जाने कैसे मुझ में उस डर से लड़ने की ताकत सी आ गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। शायद रोकना ही नहीं चाहता। मैं जानता हूं मैं अब तक एक बहुत ही बदसलूक, बदमिजाज, एरोगेंट, खड़ूस इंसान की तरह से पेश आया हूं, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो ताकि मैं भी तुम्हारे जहन में वही खूबसूरत जगह बना सकूं जो तुमने मेरे दिल में बना दी? बस एक मौका प्लीज मेहर। और हां, कोई जबरदस्ती, कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर तुम मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूं, प्लीज। मेहर, 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 प्लीज मेरी बात सुनो। डॉक्टर रिजवी, अब हम समझ क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तकलीफें हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम किसी और को चाहती हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? एक वक्त था जब मेरी जिंदगी में कोई था, लेकिन वो खत्म हो चुका था। पर शायद उस किताब के कुछ पन्ने दोबारा खुल रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपकी मरहम आप ही तुम? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। मेरे शौहर काफी नहीं थे तुम्हारे लिए, जो अब अपनी तबाही नजर मेरे भाईजान पे भी डाल रही हो? आप ही? क्या कह रही हैं आप? और आप इसलिए यहाँ आने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे? इसके लिए जाहिर सी बात है, ये जलील किस्सा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में खत्म नहीं हुआ। नहीं भाईजान, ये नहीं। इस दलदल से आप दूर रहिए, इसका कोई जमीर नहीं है। खुश, यही चाहती थी ना तुम?
तुम्हारी खुशी में दरार डाल के खुश हो? शिफ्रत मुझे यहाँ आना पड़ा था क्योंकि इसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। झूठ! ये झूठ बोल रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डीन को सब कुछ बताने की धमकी नहीं दी थी? क्या? मैंने कौन सी धमकी दी? बल्कि कुछ महीनों से ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसके फोन कॉल्स मैंने लेना बंद कर दिया तो गुंडे भेज दिए इसने। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन मानिए। मैं आप दोनों को सब कुछ बताना चाहता था लेकिन इसने मुझे और मेरे करियर को खत्म करने की धमकी दी। I was trapped. ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक 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 लफ्ज़ झूठ है। इन्होंने मुझे धमकाया। मेरे साथ जबरदस्ती की है इन्होंने। डॉक्टर रिज़वी, शिफ्रत, प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैं आपको सच कह रही हूँ। ये इंसान वो नहीं है जो आप लोगों को दिखता है। प्लीज डॉक्टर रिज़वी, आप तो यकीन मानिए, प्लीज। डॉक्टर रिज़वी, नहीं मेहर, तुम यकीन के लायक नहीं हो। ये रेप मी नौशाद, इतनी गिर सकती हो मेहर कि अपनी इज्जत भी नीलाम करती? तुम जैसा गलीज इंसान ही इज्जत की नीलामी की बात कर सकता है? और से किसी गुंडों ने नहीं मारा था, मैंने मारा था अपनी बहन के लिए, जो कि बहुत कम था। आइंदा मेरे खानदान के करीब कोई नहीं जाएगा। मेरा दावा बिल्कुल सही था। मिर्जा खानदान की मक्कारी से मुझे यही उम्मीद थी। खबरदार, इस पाक बच्ची पर इल्जाम लगाने की ना तो किसी की हैसियत है और ना किसी का हक। आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि यहाँ एक बेगुनाह को गुनहगार साबित किया जा रहा है, और आप सबको शर्मिंदा होना चाहिए, सबको। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। चलिए भाईजान। जाने दो बड़ी, तुम्हें इतना भी ना समझ सकती हो, तुम्हें समझने के लायक भी नहीं है। मेहर, अम्मी, इसे कुछ देर अकेले रहने दे। एक घंटा पहले एक मुजाहिदीन कमांडर मारा गया है। क्या? मिलिट्री पर्सनल हर जगह तैनात कर दिए गए हैं। शहर में फसाद शुरू हो रहे हैं। क्या? कर्फ्यू लगने वाला है, हमें निकलने की तैयारी करना चाहिए।